इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। किनको लेकर आए थे आप और क्या कुछ हुआ था इनके साथ? मैं अपने पिताजी को लेकर आया था यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ में एक्सीडेंट हुआ था कंपनी में, मशीन के अंदर आ गए थे। कौन सी कंपनी में काम करते थे? श्रीनिवास बोर्ड पेपर। कहाँ पर है ये कंपनी? शांतिनगर। अच्छा, कब से काम कर रहे थे आपके पापा? पापा कम से कम 20 साल से काम कर रहे थे। क्या हुआ था कल, क्या बताया कंपनी? हम बाहर थे तो हमारे पास कॉल आया कि आपके पापा का पूरा शरीर आ गया है मशीन में। हाँ। और वो उनको ले जाया गया है हॉस्पिटल, आप वहाँ जाके देख लीजिए। हम तब तक वहाँ पहुँचे तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या चाहते कंपनी ने, क्या कुछ सहयोग सहायता कुछ ऐसी बात करी आपसे? कंपनी से हमने सहयोग के लिए बात करी है लेकिन कंपनी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। क्या सहयोग चाहते आप कंपनी से? यही सहयोग कि मेरे पापा का बीमा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और हमारे एक मेरे को नौकरी मिलना चाहिए। क्या बोला कंपनी के अधिकारियों ने कुछ आपसे? कंपनी के अधिकारियों बात कर रहे हैं। अच्छा, उनको जवाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। और ये इसका क्या बता रहे, इसका क्या रोल था? ये सब तो क्या अंदर वाले थे ना? हाँ हाँ, यहाँ तो कट ही जाता है। हाँ, तुम हेल्पर हो? हाँ। मशीन कितने का दिए? बंद मशीन, मशीन बंद करके आप कहाँ से? यहीं से। ऐसा तो नहीं था जो अकेला था? नहीं, अकेला नहीं था। मैं रहूंगा जब तक तुम खुश नहीं रहोगे, मैं यहाँ पर रहूंगा। हाँ जी सर। हाँ सर, मतलब हम यही चाह रहे सर आपसे। हम तुम्हारे साथ में। जी सर। सुनो सुनो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारी जो मदद होगी वो करवाएं। जी सर। इसके बाद भी आप कहोगे तो मुकदमा भी कायम कर देंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है, मुकदमा भी कायम करें। जी जी। हाँ सर, बैठ जाए। हाँ सर, आप
ये मारेगा सर, ये मारा अभी का बना ताली है, ये वीडियो है नहीं, कल बाहर का सर, आज का बाहर का, ये 24 घंटा होने वाला है, काल नहीं कर रहेगा, नहीं कर रही पुलिस कर रही, भैया उनको बुलाइए, कौन नहीं करेगा, ये तो सर उन्हीं का है ना, ये तो सर लीगल है ना, ये तो लीगल है जो होना था, ये तो कंपनी का पैसा है ना, जो बिजली का, ये तो उन्हीं का पैसा है, जाइए ना आगे जाइए, बात करिए ना, उन्हीं का पैसा है। मामला सही निकला, सही दिया, हमको कोई टेंशन नहीं है सर, इसके लिए हमने जो करा वो हमारी मांग की है सर। क्या बोलता था मीडिया सामने 25 लाख की हमारी डिमांड, तो डिमांड पूरी करी आपकी? नहीं सर, ये इतनी डिमांड पूरी कितना क्या कुछ करा आपको? इनने हमको 4-3-7 सब टोटल 8 लाख रुपए 10 लाख किए सर। और बस इतने नौकरी की भी डिमांड? हाँ, नौकरी ने इसने बच्चों को दिए हैं, और उसके बाद बच्चों को शायद पेंसिल, और उसकी मिसेस को भी उसकी पेंशन का बोला है, सब टोटल 5.5 लाख रुपए 5,500 रुपए हो रहे महीने का। अच्छा, वो पेंशन आएगी आपको? हाँ, पेंशन। और अभी आपको 7-7.5 लाख रुपए बीमा का और नगद दिया? हाँ, नगद दिए। क्या नाम आपका सर? लल्लन यादव। संतुष्ट? हाँ सर, संतुष्ट। हमारे यहाँ श्रमिक रिमाइंडर पे काम करता था, कल उसका रिमाइंडर में एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके परिजन जो थे वो थोड़े आक्रोशित थे, नाराज थे, इसलिए वो सब यहाँ पे आए थे अभी फैक्ट्री में। हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है, उनके जो भी मदद कर सकते हैं वो पूरी करेंगे, उनको गवर्नमेंट की जो जो सुविधा मिलती है वो PF SIC में सब में कवर था वो बंदा, तो उसको सारी वो जो सुविधाएं, पेंशन, उसके परिवार वालों को सारा चीज़ जो मिलना थी वो सब करेंगे, उसके अलावा भी कंपनी अपनी तरफ से भी उनको सुविधा देगी। और सर, कुशल श्रमिक था? हाँ, कुशल श्रमिक था। राशि, मोटी मोटी राशि आपने उनको जारी की? नहीं, तो उनके बच्चे के लिए भी नौकरी का भी अपन ने बोला है कि अपन बच्चे को नौकरी भी देंगे, और एक 22-3 लाख रुपये देंगे उनको, और बाकी उनकी जितनी भी गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी चीज़ें हैं वो सब उनको दिलवाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह भी था? इंश्योरेंस था उसका, PF SIC में टोटल उसमें भी मिलेगा, और हमने ग्रेजुटी का भी ले रखा अलग से, तो उसमें भी अलग से राशि उसको मिलेगी, वो सब हमने। हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित अपने आप सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे? वो करते हैं, हम लोग सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अभी हेल्थ एंड सेफ्टी वाले भी अपने हिसाब से सारी जाँच करेंगे, पिछली बार भी एक मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही करते हैं, अब वो किसी दुर्घटनावश हो गया तो कैसा? मुझे ध्यान नहीं है, तो अभी वो सब रिकॉर्ड देख के बताना पड़ेगा, मैं ऐसा मौखिक रूप से नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पे क्राफ्ट पेपर बनता है, जो कोरोगेटेड बॉक्स बनाने में काम आता है, क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किस नाम से व्यक्ति? श्रीनिवास बोर्ड एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पर बोलते हैं, कब से काम कर रहा था? मतलब 2011 से यहाँ पर कर रहा था, और वो उसी जगह पे ही 2011 से काम कर रहा है, उसी जगह में था, नहीं परमानेंट था, इसलिए तो बताया PF SIC सब परमानेंट है, उसको सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलेगी। क्या नाम था सर? तारा बाबू यादव। सर, कितने वर्कर हैं इस कंपनी के अंदर? मेरे ख्याल से 68 से 70 कुछ 70 के आसपास कुछ वर्कर हैं, 70 से। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अविनाश दा, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। थैंक यू। अंतर्गत औद्योगिक नगर में एक श्रीनिवास पुष्पा फैक्ट्री है, उसमें तारा बाबू यादव काम करते थे, तो उसको रोल करते उनका हाथ पर रोलर में आ गया था, शरीर की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई थी, कल मर कायम किया गया था, उसी संदर्भ में आज जांच की गई, और उसमें मुआवजे को लेकर और नौकरी के लिए उनके परिजनों ने यहाँ पर शब्द लेके आए। सर, यहाँ पे देखा कि हंगामा भी कर था, गेट भी तोड़ दिया गया था उसको लेकर? गेट मैंने तोड़ा, तब पुलिस आ गई थी, पुलिस को खबर मिल गई थी, हम लोग आए, उनको चक्रा प्रबंधन से चर्चा की, और दोनों पक्षों की सहमति के बाद में वो लोग चले गए। क्या कुछ कायमी दर्ज होगी सर? हाँ, कायमी होगी, इसमें 300 का अपराध दर्ज करें। अब संतुष्ट है सर? संतुष्ट। सर, डेढ़ लेके गए यहाँ से? हाँ, डेढ़।